नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जिलों में पुलिस विभाग में सहरिया जाति और बैगा जाति की भर्ती की जा रही। मध्य प्रदेश के डीजीपी आरके शुक्ला पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नव युवकों को पकौड़ा बेचने और चाय बेचने जैसे बयान को लेकर इलाहाबाद जिला मुख्यालय पर युवक कांग्रेस द्वारा बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जिलों में पुलिस विभाग में सहरिया जाति और बैगा जाति की भर्ती की जा रही है, जिसमें कोई लिखित परीक्षा छात्र को नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ फिजिकल से ही युवाओं का चयन होना है। वहीं दतिया पुलिस लाइन में भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई, जिसमें 104 युवाओं के आवेदन आए, जिसमें 4 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने स्वयं बारीकी से पूरी गतिविधियां कराई। इस दौरान एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह गौर, एसडीओपी आरसी भोज, आरआई रविकांत शुक्ला, कोतवाली टीआई अजय भार्गव और सुबेदार अजय सिंह सहित पुलिस विभाग मौजूद रहा। एसपी मयंक अवस्थी द्वारा बताया गया कि 104 आवेदनों में 4 युवाओं की भर्ती होनी है, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। मेरिट के लिस्ट कैसे उठेगी सर? मेरिट लिस्ट इनकी शैक्षणिक योग्यता से चुनी जाएगी, जो ज्यादा क्वालिफाइड है, ज्यादा एजुकेटेड है, वो ऑटोमेटिकली। सर, 4 पद कौन कौन से जिन पर भर्ती होनी? चारों आरक्षक के पद। चारों आरक्षक के? लगभग कितनी भर्ती सर होनी है? करीब 100 से अधिक आवेदन आए हैं, उनमें से जो लोग शारीरिक रूप से फिट पाए जाएंगे, उनको उनके अंक वगैरह और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो चेक किया जाएगा, उनमें से 4 लोग चुने। सर, कितने चरणों में होगी भर्ती? आज इनका ये शैक्षणिक योग्यता, इसका शैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, उनके जाति प्रमाण पत्र, इनकी जो शारीरिक मापदंड है, इनका टेस्ट हो रहा है। इसके पश्चात अगले चरण में इनके जो अंक हैं वो चेक किए जाएंगे और जो ज्यादा क्वालिफाइड हो। मध्य प्रदेश के डीजीपी आरके शुक्ला पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डीजीपी ने कहा कि पन्ना जिले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप जो भी नई चीजों की आवश्यकता है, उन सभी पर विचार किया जाएगा। डीजीपी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पन्ना शहर के प्रमुख मार्गों और स्थलों पर 121 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरे लग जाने के बाद अपराधों में रोकथाम और घटित अपराधों में अपराधियों की पहचान करने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। पन्ना जिले में बड़े पैमाने पर हो रहे रेत के उत्खनन और अवैध शराब के बढ़ते कारोबार की ओर बीजेपी का ध्यान आकर्षित कराया गया, तो उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन रोकना हमारा प्राथमिक दायित्व नहीं है। ये बात अलग है कि समस्या को और उनके निराकरण के लिए पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है। नागरिकों को मेरी शुभकामनाएं। पन्ना में सुरक्षा बनी रहे, इसके हम सभी प्रयास करेंगे और पन्ना की आवश्यकताओं के अनुरूप जो भी नई चीजें डालनी है उस पर भी विचार। पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब पहले स्मार्ट बने। हम पुलिस में तकनीकी उन्नयन निरंतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नव युवकों को पकौड़ा बेचने और चाय बेचने जैसे बयान को लेकर इलाहाबाद जिला मुख्यालय पर युवक कांग्रेस द्वारा बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बजट बॉक्स को जलाकर विरोध किया और प्रदर्शन भी किया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विरोध के नारे भी लगाए और बजट वापस करने की मांग भी की। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के जितेंद्र त्रिपाठी कर रहे थे। इस दौरान भारी संख्या में जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये प्रदर्शन जिलाधिकारी कार्यालय पर कई देर तक चलता रहा। जबलपुर के साई मंदिर बरगी हिल्स में स्थापना दिवस 10 फरवरी के अवसर पर सुबह 9 बजे से साई अभिषेक, साई पाठ हवन, दोपहर 1 बजे से साई प्रसाद और शाम 7 बजे साई महाआरती के साथ साथ श्यामा दरबार द्वारा साई भजन का आयोजन किया गया है। समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जबलपुर वासियों से सादर अनुरोध किया है कि आज 8 फरवरी को साई पालकी शोभा यात्रा और 10 फरवरी को साई स्थापना दिवस के आयोजन में शामिल होकर साई आशीर्वाद लें। आज 8 फरवरी को साई पालकी शोभा यात्रा
निकाली जा रही है। इसके बाद 9 तारीख को साई चरित्रमानस का पाठ होगा। 10 तारीख को 10 फरवरी को सुबह साई महाअभिषेक होगा। उसके बाद हवन, उसके बाद महाभंडारा साई प्रसाद का वितरण किया जाएगा। पकौड़े बेचने से रोजगार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से क्या निकली कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। विपक्षी पार्टियों समेत कई संगठनों ने इस पर तंज कसते हुए विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। पकौड़ों के आंदोलन का तड़का जबलपुर भी पहुंच गया है। यहां युवक कांग्रेस ने मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता बाकायदा दुकान सजाकर बैठे और पकौड़े तलने के साथ आलू बड़े और समोसे निकाले। उनका कहना था कि माना कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, लेकिन उन डिग्रियों का क्या जो उच्च शिक्षा लेकर बेरोजगारों ने हासिल की है। पढ़े लिखे नौजवानों ने डिग्रियां डिप्लोमा की हुई है, बीएससी एमएससी के तमाम संस्थान ऐसे संस्थान है देश के नौजवान जो पेरेंट्स अपने वहाँ पे उन बच्चों को ग्रेजुएट कराते मेहनत के पैसे से वो डिग्रियां हासिल करते हैं। पेरेंट्स किस मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परंतु देश के माननीय प्रधानमंत्री की अपनी घोषणाएं में अमल नहीं ला रहे। बार बार घोषणा करते हैं कि देश के नौजवानों को रोजगार देंगे, परंतु अभी कुछ ही दिनों में उनके शीर्ष पर बैठे हुए ऐसे पदाधिकारियों ने बोला कि पकोड़े तलना कोई बड़ी बात नहीं है, पकोड़ा तलना कोई ऐसा काम बुरा काम नहीं। मैं मानता हूँ कोई काम बुरा नहीं होता। हर देश की गृहिणी, हर देश की माता और हर देश की स्टूडेंट ये पकोड़े तलने तैयार है। अतिथि शिक्षकों की प्रदेश व्यापी हड़ताल और नियमितीकरण की मांग के चलते अतिथि शिक्षकों ने पूरे प्रदेश समेत डिंडोरी जिले के शाहपुरा शहर में भी हजारों की संख्या में एकत्र होकर शहर में जगह जगह घूम घूमकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान भाजपा सरकार के लिए झोली फैलाकर भीख मांगी और नारेबाजी भी की। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे भूखे मरने की हालत में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें मजदूरों से भी गया बीता वेतन दिया जा रहा है। इससे ज्यादा तो वो भीख मांगकर कमा लेंगे और भीख मांगकर मुख्यमंत्री को भेंट करेंगे। हम लोगों की मांग है कि सभी अतिथि शिशुओं का नियमितीकरण हो, शिक्षा विभाग में संविलियन हो, जिनका बीएड डीएड नहीं है उनको बीएड डीएड सरकार करवाए। सरकार कई बार आश्वासन दे चुकी है कि हमारे अतिथि शिक्षकों को बीएड डीएड कराया जाएगा, उनका वेतनमान बढ़ाया जाएगा, मगर सरकार की ये घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार ने जैसे बोला है कि अतिथि शिक्षकों को रेगुलर किया जाएगा, तो उस पे आपकी सरकार से क्या बात? सरकार हमें कई बार ऐसा झूठा आश्वासन दे चुकी है मगर कुछ नहीं कर रही है। हर साल हम लोगों से 10 महीने सेवा लेती है और 10 महीने के बाद निकाल देती है और नए सत्र में नए शिक्षकों की भर्ती की जाती है। फरवरी का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। मौसम 8 डिग्री के आसपास है और मंदसौर नीमच जिले को देश भर में पहचान दिलाने वाली अफीम फसल की देखरेख में हजारों किसान अफीम की फसल को दिन रात एक कर परिवार के बच्चों की तरह पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में अफीम की खेती होती है। ब्रिटिश शासन के समय मालवा निमाड़ क्षेत्र के किसानों के लिए नीमच में अल्काइड फैक्ट्री लगाई थी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गाजीपुर में फैक्ट्री है। आने वाले 2 माह उन्हें ठे पाले और चीरे के दौरान मौसम की चिंता रहेगी। इसके अलावा नील गाय से नुकसान का डर भी रहेगा। नई अफीम नीति के तहत प्रदेश में 28,000 किसानों को 10-10 आरी के पट्टे मिले हैं। करीब 2,800 हेक्टेयर में अफीम की फसल हो रही है। 3 साल में सबसे कम रकबा है। पिछले साल 20-20 और 12-12 आरी के पट्टे दिए थे, इस साल 10-10 आरी के पट्टे ही दिए हैं। 2016-17 में अफीम उत्पादन अच्छा रहा था। 28,150 किसानों ने नार्कोटेक्स विभाग को 5,000 मैट्रिक टन अफीम सौंपी। 2016-17 में अफीम की बम्पर पैदावार से अल्कोलाइड फैक्ट्री में 2 साल का स्टॉक हो गया। एक जानकारी के अनुसार $72 में बिकती है 1 किलो अफीम। राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें मीडिया ने रेल, आकाशवाणी, चिकित्सा उद्योग जैसे कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की और संपतिया उइके ने बताया कि हाल ही में उन्होंने सभी संबंधित केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात कर इन सब मुद्दों में चर्चा की है और मोदी जी और सभी मंत्री ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि 2018 लास्ट तक मंडला जिले की जनता भी बड़ी रेल लाइन का आनंद उठा सकेगी और आकाशवाणी केंद्र का भी शुभारंभ शीघ्रता से किया जाएगा। पर भैया लोग हैं जो बेटे हैं, इन लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, 8वीं 10वीं 12वीं के बाद छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे लड़के हैं जो वो ग्रेजुएट करके वो नौकरी पा रहे हैं। जबलपुर में रात्रि 1 बजे गड़ा थाना अंतर्गत छुई खदान में पुजारी के घर पर 4 बम फेंकने की सूचना मिली है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में अक्सर असामाजिक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इन असामाजिक तत्वों के जमावड़े के खिलाफ पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इस घटना के बाद पुजारी ने थाने सहित जबलपुर एसपी से अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। एक जानकारी के अनुसार आरोपियों में मंजू चक्रवर्ती और उसके साथियों का नाम आ रहा है।
और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।